हटा के आप बैठी हैं, कॉलेजेस में जा रही हैं, नौकरी कर रही हैं, ये अधिकार आपको किसने दिया है? हमारे साथी आए हैं, इनको बैठाने का कष्ट करें, जो संस्था के पदाधिकारी हैं, बैठाएं भाइयों को। प्रेम सिंह जाटव जी लौनी क्षेत्र से ब्लॉक अध्यक्ष हमारे बीच आ चुके हैं, उनके साथ आए मेहमानों दोस्तों को पूरा स्वागत है, आप आए और बैठे। मैं गाँव के छोटे बच्चे, जितने भी बच्चे हाथ खड़े करें, बच्चे हाथ खड़े करें, छोटे बच्चे जो है हाथ खड़े करें, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे आए हैं, बच्चे हाथ खड़े करें और सब बच्चों से निवेदन है सारे बच्चे मेरे यहाँ आगे आगे बैठ जाएं। पिंटू जी आए चलकर, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, अभी पूरी टीम को साथ लेकर आए, उनके लिए साधुवाद, जय भीम, सर बैठे, धन्यवाद। उन बच्चों के लिए अभी मैंने कुछ मंगाया है, सारे बच्चे आगे आगे बैठ जाए, कुर्सियां छोड़ दें, कुर्सी पे बड़े लोगों को बैठने दें, गाँव के सभी बच्चों से आग्रह है आगे आके बैठे, कुर्सियां छोड़ दें, बहुत सारे बड़े बुजुर्ग और किसी ने भी किया, जोरदार तालियां। मूर्खों की जवानी बता देता हूं कि देवी मंदिर में, जोर से बताने में आप महिलाओं से पूछना चाहता हूं, देवी मंदिर में किसकी तस्वीर होती है, जोर से बताइए, किसी भी मंदिर में, देवी मंदिर में किसकी तस्वीर होती है, देवी की होगी, भाई जोर से बोला, दुर्गा माँ की होगी, किसी की होगी, जोर से बोलिए, किसकी तस्वीर होती है, देवी की। एक महिला को नहलाने में, धुलाने में, कपड़े पहनाने में किसका सहयोग होना चाहिए, एक औरत को नहलाने धुलाने में, कपड़े पहनाने में किसका सहयोग होना चाहिए, जोर से बताओ। लेकिन वहां आपको मिलेंगे पंडे, एक महिला को कपड़े बदलवाते हैं देवी को पंडे, वहां के मर्द, आप समझ सकते हैं मंदिरों में क्या हालत होगी, मंदिरों में क्या हालत होती है महिला की, महिला की स्थिति को देखते हैं मंदिर के पंडे, जबकि अधिकार दिया है एक महिला को नहलाने धुलाने का, कपड़ा बनाने का, महिला का अधिकार महिला के पास होना चाहिए, लेकिन मंदिरों में अधिकार किसको दिया है, वहां के पंडित को, मूर्खो जाग जाओ, ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार उन्होंने मान रखा है, आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे, अपना पेट भरते रहेंगे, महिला से मर्द को लड़ाते रहेंगे और महिलाओं के अधिकारों का हनन करते रहेंगे, जाग जाइए, ये अधिकार उन्हीं के पास है, बाबा साहब ने सबको समानता का अधिकार दिया है, बाबा साहब ने सभी को समानता का अधिकार दिया है, इसीलिए आप हमारे बराबर हमारी कुर्सियों पर बैठी हैं, बराबर पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, मंदिरों में जाना छोड़ दें, कुछ नहीं रखा मंदिरों में आपको ले दे करके, वही आरती के टाइम पे एक पंडा, एक देवी, एक महिला को नहलाता हुआ नजर आएगा, वहां औरतें सभी अधिकार छीन ले गए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।